हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है उसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि इनकम टैक्स में जो TDS TCS के लिए फॉर्म 26AS दिया गया था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ताकि टैक्स पेयर जल्दी से और आसानी से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाए। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2021 से अब आप 26AS का इम्प्रूव्ड वर्जन चेक कर सकते हैं जिसमें के टैक्स पेयर की एडिशनल डिटेल भी दिखाई देगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है वो भी अब आप देख सकते हैं। फ्रेंड, जो व्यक्ति स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करते हैं अब वह टैक्स पेयर देख सकता है। इसके लिए 26AS में पार्ट नंबर ई को इनेबल किया गया है ताकि टैक्स पेयर जब अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करे तो इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर सके और अपनी करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर पाए। इससे इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रांसपेरेंसी आएगी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी आएगी। फ्रेंड, जो पुराना 26AS था उसमें आप TDS TCS की डिटेल देख सकते थे कि किस व्यक्ति ने आपका कितना TDS कलेक्ट किया है और कितना TCS कलेक्ट किया है, इसके अलावा कितना इनकम टैक्स पे किया गया है, कितना रिफंड मिला है और TDS का डिफ़ॉल्ट आप देख सकते थे। इसके अलावा अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो की हैं मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वो भी देख पाएंगे 26AS में। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड व्यक्तियों से जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन जो कि बॉन्ड इशू करते थे या रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी से बहुत सी हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, जैसे कि कैश डिपॉजिट व्यक्ति ने कितना किया है सेविंग बैंक अकाउंट से या कितना विड्रॉल किया है, इमोबल प्रॉपर्टी कितनी सेल की है या परचेज की है, कितने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट की है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितनी की है, शेयर्स कौन से परचेज किए हैं, डिबेंचर्स परचेज, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड, बायबैक ऑफ शेयर, कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्स्ट्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर को नहीं पता लगती थी कि किस व्यक्ति ने कितनी इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप इसे देख पाएंगे फोन नंबर 26AS में। फ्रेंड्स, इसके लिए 26AS में पार्ट ई को इनेबल किया गया है जिसमें अब आप ये देख पाएंगे कि टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी की गई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस व्यक्ति ने फाइल की है यानी कि बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, म्यूचुअल फंड ने, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, क्या सिंगल या ज्वाइंट पार्टी ट्रांजेक्शन है, नंबर ऑफ पार्टी कितनी है, अमाउंट कितना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है और रिमार्क। चलिए फ्रेंड्स, नए फॉर्म 26AS को देखते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप माई अकाउंट में जाएंगे, व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कन्फर्म दबाएंगे जिससे कि TDS EPC की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और ये प्रोसीड बटन पे क्लिक करके व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ये सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 21-22 करेंगे और यहाँ पे व्यू एज HTML आप कर सकते हैं या फिर यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे व्यू कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ए होगा जहाँ पे कि किस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है उसकी डिटेल आएगी, नेम ऑफ द डायरेक्टर, टैन ऑफ द डायरेक्टर, टोटल अमाउंट कितना पे किया है या क्रेडिट किया है, टोटल टैक्स कितना काटा है और कितना जमा किया है गवर्नमेंट के पास। यदि किसी टैक्स पेयर ने फॉर्म 15G या H दिया है तो उसकी डिटेल पार्ट A1 में आएगी, नेम ऑफ द डायरेक्टर, टैन ऑफ द डायरेक्टर, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, टोटल टैक्स डिडक्टेड, टोटल TDS डिपॉजिटेड। फ्रेंड्स, पार्ट A2 में डिटेल आएगी, यदि किसी व्यक्ति ने इमोबल प्रॉपर्टी को सेल किया है तो उसका TDS अधिकता है यानी कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर, तो उसकी डिटेल आएगी।
यदि कोई लैंडलॉर्ड है प्रॉपर्टी का और उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है जहाँ पे के जो मंथली रेंट है 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो TDS काटा जाता है, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। यदि कोई रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या प्रोफेशनल है तो 194M के अंतर्गत TDS काटा जाता है, यानी कि 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर, तो उसे यहाँ पे अपनी TDS की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, नेम ऑफ द डिडक्टर, पैन ऑफ द डिडक्टर, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट और टोटल TDS डिपॉजिटेड की डिटेल आएगी। फ्रेंड्स, यदि डिडक्टर के द्वारा कोई लेट फीस या इंटरेस्ट पे किया गया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं आएगी। फ्रेंड्स, पार्ट बी में जो TCS कलेक्ट किया गया है उसकी डिटेल आएगी। मान लीजिए आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं 10 लाख से ज़्यादा, तो TCS कलेक्ट किया जाता है सेलर के द्वारा बायर से, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कलेक्टर आएगा, टैन नंबर ऑफ द कलेक्टर, टोटल अमाउंट पेड डेबिटेड, टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड टोटल TCS डिपॉजिटेड की डिटेल यहाँ पे आएगी। फ्रेंड्स, पार्ट सी में डिटेल आएगी यदि टैक्स पे किया गया है अदर देन TDS और TCS है, यानी कि यदि आप एडवांस टैक्स पे करते हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं तो उस केस में यहाँ पे मेजर हेड, माइनर हेड, टैक्स सरचार्ज, एजुकेशन सेस, अदर और टोटल टैक्स डिस्प्ले होगा, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान सीरियल नंबर और रिमार्क्स दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ़ंड मिला है तो उसकी डिटेल भी आपको यहां दिखाई देगी, असेसमेंट ईयर जिससे कि वो रिफ़ंड बिलोंग करता है, मोड क्या है रिफ़ंड इशूड, नेचर ऑफ रिफ़ंड, अमाउंट ऑफ रिफ़ंड, इंटरेस्ट, डेट ऑफ पेमेंट एंड रिमार्क। फ्रेंड्स, यह है पार्ट ई जो कि नया ऐड किया गया है, यानी कि डिटेल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर किस प्रकार की अपने ट्रांजेक्शन की है वो डिस्प्ले होगी, नेम ऑफ SFT फाइलर यानी कि किस व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट फाइल की है, कि आपके बैंक ने फाइल की है, म्यूचुअल फंड एक्स्ट्रा ने, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, सिंगल या फिर ज्वाइंट पार्टी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे डिस्प्ले होगा, नंबर ऑफ पार्टी कितनी है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, मोड क्या है और रिमार्क्स। फ्रेंड्स, यह है पार्ट एफ, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इमोबल प्रॉपर्टी को परचेज करता है 50 लाख रुपए से ज़्यादा, यानी कि वो बायर है या फिर प्रॉपर्टी का किराएदार है और वह मकान मालिक को 50,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे करता है तो उसको TDS काटना है। उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी कि किस अमाउंट पे उसने TDS काटा है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को सेक्शन 194M के अंतर्गत पेमेंट करता है यानी कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा तो उसे TDS काटना है। उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टी, किसका उसने TDS काटा है, पैन ऑफ डिडक्टी, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, टोटल TDS डिपॉजिटेड एंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड अदर देन TDS। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बायर, टेनेंट या पेयर हैं तो यहाँ पे डिटेल आएगी, और यदि आप सेलर, लैंडलॉर्ड या पेई हैं तो पार्ट A2 में आपकी डिटेल आएगी। फ्रेंड्स, पार्ट G में डिटेल आएगी यदि कोई TDS का डिफ़ॉल्ट है, यानी कि स्टेटमेंट की प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर शॉर्ट पेमेंट है, शॉर्ट डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन TDS पेमेंट डिफ़ॉल्ट, इंटरेस्ट ऑन TDS डिडक्शन डिफॉल्ट, लेट फाइलिंग फीस अंडर 234E, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 एंड टोटल डिफॉल्ट। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि अपडेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से टैक्स पेयर अपनी रिटर्न आसानी से फाइल कर सकता है और फिगर रिकनसाइल करने के बाद सही रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नए फॉर्म 26AS में फाइनेंशियल ईयर 15-16 से जो इन्फॉर्मेशन इनकम डिपार्टमेंट को मिलती थी AIR में वो भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप पुराने असेसमेंट ईयर की भी ये ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ई में फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड भी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने 26AS को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, रूट 114E में जो ट्रांजेक्शन दी गई हैं उनके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइल की जाती है। अब आप ये सभी ट्रांजेक्शन अपने 26AS में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर कैश परचेज करता है बैंक ड्राफ्ट की और अमाउंट 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, या फिर कैश एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा है
और वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज करता है या कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट से, तो उस केस में ट्रांजैक्शन बैंकिंग कंपनी के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। या व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट में, या फिर व्यक्ति टाइम डिपॉजिट यानी कि FDR कराता है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एग्रीगेट अमाउंट, तो उस केस में भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से बिल की पेमेंट करता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा या कैश में 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की जाती है। या फिर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड या डिबेंचर खरीदता है, या फिर अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो शेयर एक्वायर करता है कंपनी के, या फिर कोई कंपनी शेयर बाय बाय करती है जहाँ पे के अमाउंट एग्रीगेट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है म्यूचुअल फंड के द्वारा किसी व्यक्ति से, या फिर जो अमाउंट रिसीव किया गया है फॉरेन करेंसी की सेल पर डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से वह अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या व्यक्ति इमोबल प्रॉपर्टी सेल करता है या परचेज करता है 30 लाख रुपए से ज़्यादा, या फिर व्यक्ति कैश पेमेंट करता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सभी ट्रांजैक्शन देख पाएंगे अपनी 26AS में। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxileather@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे के जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स GST फाइनेंस एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।